अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर साल 2017 की शुरुआत जॉली एलएलबी 2 के साथ कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म की खूब चर्चा भी हो रही है, लेकिन अब इस फिल्म का एलएलबी शब्द ही कोर्ट के चक्कर में फंसता नजर आ रहा है। एक वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पेटिशन डालकर फिल्म से एलएलबी शब्द को हटाने की मांग की है। अजय कुमार वाघमारे नाम के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी पेटिशन में कहा है कि फिल्म के ट्रेलर में कई सीन्स में लोगों को कोर्ट में पत्ते खेलते और नाचते दिखाया गया है, जो वकीलों का मजाक उड़ाने जैसा है। इसके साथ ही फिल्म पर इंडियन लीगल प्रोफेशन की छवि को जानबूझकर धूमिल करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। पेटिशन में फिल्म के ट्रेलर को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों से हटाने की मांग की गई है। अजय कुमार की पेटिशन पर दो जजों की बेंच 24 जनवरी को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि फिल्म जॉली एलएलबी 2 एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे। फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होनी है, लेकिन 24 जनवरी को अगर फैसला अक्षय के खिलाफ आता है तो अक्षय के लिए मुश्किल हो सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।